सिविल पीडिया में आपका स्वागत है। बिना टाइम गवाए टेरेस्ट ऐप। और आज का हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज हनीकॉम्बिंग इन कंक्रीट। कंक्रीट में जो हनीकॉम्बिंग होता है वो किस कारण से होता है, उसका रीजन क्या है। तो आज वो हम समझने की ट्राई करते हैं। हाउ हनीकॉम्बिंग अकर्स, हनीकॉम्बिंग कैसे होता है कंक्रीट में। तो पहले यहाँ पर लिखा है कि जब भी हम कंक्रीट का प्लेसिंग करते हैं, कोई भी जगह पर प्लेसिंग करते हैं, तो वहाँ पर कॉम्पैक्शन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो कॉम्पैक्शन प्रॉपरली करना है, कॉम्पैक्शन जो प्रॉपरली नहीं करते हैं हम, उसके कारण जो है वो वॉइड्स रह जाते हैं। क्रिएशन ऑफ द वॉइड्स, बराबर है, वॉइड्स रह जाता है। वॉइड्स रह जाने के कारण वो सरफेस पे भी रह जाते हैं और इनसाइड ऑफ द कॉन्क्रीट भी रह जाते हैं, बराबर है। और जो वॉइड्स रह जाता है उसके कारण क्या होता है कि वो वॉइड्स के कारण मॉइस्चर जो होता है, एटमोस्फेरिक मॉइस्चर, वो पेनेट्रेट होता है उसमें और वो रेनफोर्समेंट तक पहुंचता है। और रेनफोर्समेंट तक पहुंचने के कारण हमारा रेनफोर्समेंट का कोरोजन स्टार्ट होता है, बराबर है। तो वही हनीकॉम्बिंग के कारण रेनफोर्समेंट का कोरोजन होता है। अब हम बात करते हैं कि हनीकॉम्बिंग के कोजेस क्या क्या है। हनीकॉम्बिंग के कोजेस हम देखते हैं तो फर्स्ट है इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन, जो कि हमने देख लिया है इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन। दूसरा है कॉलम बीम जंक्शन। कॉलम बीम जंक्शन क्यों लिखा है यहाँ पर, कि जब भी कॉलम बीम जंक्शन और कॉलम बीम मीट हो रहे होते हैं, वहाँ पर रेनफोर्समेंट का अमाउंट इतना ज़्यादा होता है कि कंक्रीट हम जब भी प्लेस करते हैं तो वहाँ कॉम्पैक्शन के लिए दिक्कत ज़रूर होती है। तो वहाँ पर हमें कॉम्पैक्शन की प्रॉपर मेथोडोलॉजी अप्लाई करनी है, बराबर है। हाईली रेनफोर्स जंक्शन, अब हाईली रेनफोर्स जंक्शन मोस्टली हम देखते हैं कॉलम बीम जंक्शन होते हैं वहाँ पर, और रेनफोर्समेंट ज़्यादा होते हैं वहाँ पर, हम कॉम्पैक्शन प्रॉपरली कर नहीं पाते वहाँ पर। हम वेरियस मेथड, नीडल कॉम्पैक्शन, सरफेस कॉम्पैक्शन, वाइब्रेटर जैसी तकनीक को यूज़ करके कॉम्पैक्शन कर सकते हैं। कंक्रीट सेट बिफोर प्लेसिंग, अब यहाँ पर दिखा है कि कंक्रीट सेट बिफोर प्लेसिंग, जब भी हम कंक्रीट को प्लेस करते हैं उसके पहले ही वो सेट हो जाए। सेट मतलब कि उसकी प्लास्टिसिटी टोटली लॉस हो जाए, तो हम बोलते हैं उसको कि कंक्रीट सेट बिफोर प्लेसिंग। और ऐसी कंडीशन के कारण भी कॉम्पैक्शन प्रॉपर नहीं होता और वो हनीकॉम्बिंग का एक रीज़न बनता है। लो वर्केबल कंक्रीट, लो वर्केबल कंक्रीट, वर्केबिलिटी मीन्स कि हम कंक्रीट को कितनी इजीली स्प्रेड कर सकते हैं। अब वर्केबिलिटी ही लो होगी तो हम कंक्रीट को इजीली स्प्रेड नहीं कर पाएंगे, और स्प्रेड नहीं कर पाने के कारण से वहाँ पर वॉइड्स रह जाते हैं। वॉइड्स रह जाने के कारण उसे हम हनीकॉम्बिंग कहते हैं। अब हम देखते हैं कि हनीकॉम्बिंग एक्चुअल में दिखता कैसा है। तो ये है, हम सभी ने देखा होगा ऐसा कुछ, हमने वॉल की सरफेस पर देखा होगा, बीम कॉलम की सरफेस पर भी देखा होगा, पर हमें मालूम नहीं होगा कि इसको हनीकॉम्बिंग बोलते हैं। ये पहला पिक्चर है और ये दूसरा पिक्चर है। तो आशा रखता हूँ कि आपको हनीकॉम्बिंग अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है और अच्छा लगता है वीडियो, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।